नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक इस वक्त की बड़ी खबर। जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है आपको, क्योंकि वहां पर दिलचस्प हो गई है पूरी की पूरी लड़ाई। बीजेपी की तरफ से स्वपन दास गुप्ता के चुनाव लड़ने पर टीएमसी ने कड़ा ऐतराज जताया है। आपको बता दें दास गुप्ता राज्यसभा में मनोनीत सांसद है। टीएमसी का कहना है कि ऐसे में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उधर दास गुप्ता ने आज तक से कहा है कि नॉमिनेशन से पहले सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे। बीजेपी ने उनको हुगली की तारकेश्वर सीट से उम्मीदवार बनाया है। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा बांकुड़ा से लाइव है, आज यहां भी रैली होने वाली है। अनुपम, एक तो रैली के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे ही, लेकिन ये दास गुप्ता को लेकर जो इस वक्त घमासान मचा हुआ है टीएमसी और बीजेपी के बीच, इसमें क्या कहता है संविधान, क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस? जी देखिए, बहुआ मोइत्रों ने कल ट्वीट किया था। ट्वीट में ही उन्होंने दावा किया है कि जो संविधान का 10वां शेड्यूल है उसमें कहा गया है कि शपथ लेने के 6 महीने के बाद इस तरह की अगर घटना होती है तो उसे डिस्क्वालीफाई करना होगा। और इसी का हवाला देते हुए टीएमसी की ओर से अपर हाउस जो है वहाँ पर स्वपन दास गुप्ता के नॉमिनेशन को रद्द करने की मांग की जाने वाली है। और ये जो है संविधान का क्षेत्र है, हालाँकि इसमें जो बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे, लेकिन एक तो समस्या है, जो समस्या है उस पर विचार होना होगा, उस पर बातचीत होगी, अपर हाउस निर्णय करेगा कि क्या करना है। लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है वो कल से एक जो राजनीति शुरू हुई है डिस्क्वालिफिकेशन की, क्योंकि कल शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि ममता बनर्जी का जो नॉमिनेशन हुआ है नंदीग्राम में उसमें उन्होंने कई मामले छुपाए हैं, और ये जो मामले छुपाए गए हैं ये शुक्रिया आपका, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। और इस बीच आपको